पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंट मोड्स के अंदर में क्या है, एक तो लैंड वे, उसके अंदर हाईवे एंड रेलवे, उसके बाद वाटरवे के अंदर पोर्ट और हार्बर, और एयरवे के अंदर एयरपोर्ट। आज हम डील करेंगे लैंड वे के अंदर इस हाईवे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाईवे के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसके पढ़ने से पहले ये डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट हमको डील करना पड़ेगा वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हाईवे डेवलपमेंट। हाईवे डेवलपमेंट, हाईवे का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था वो था रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फर्स्ट हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट हुआ है रोमन रोड्स। वो कब हुआ था, 312 BC के आसपास। उसके बाद सेकेंड आते हैं हमारा ट्रेजागुएट कंस्ट्रक्शन, ट्रेजागुएट कंस्ट्रक्शन, ये हुआ था 1764 के आसपास। थर्ड थर्ड में है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ये शुरू हुआ था अर्ली 19th century, अर्ली 19th century। ओके, इसके बाद फोर्थ आते हैं हमारा मेटाकैप कंस्ट्रक्शन। ये हुआ था कुछ 1765 से 1765 से 1792 के बीच में। और इसके बाद फिफ्थ है मैकडम कंस्ट्रक्शन। ये हुआ था 1815 के आसपास। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम ऐसे इसको याद रखेंगे कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था रोमन रोड, देन सेकेंड हुआ था ट्रेजागुएट, देन थर्ड हुआ था टेलफोर्ड, फोर्थ हुआ था मेटाकैप, एंड फिफ्थ इज मैकडम। इसके अंदर ये कुछ कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम कुछ कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ। इसके बारे में कॉम्परेटिव स्टडी हम डील करेंगे ताकि हमको कौन सी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में एक कॉम्परेटिव स्टडी हमको याद रहे, ठीक है। हम एक टेबल बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ बनाते रहिए। हाँ, ये जो कॉम्परेटिव स्टडी हम करने जा रहे हैं कुछ स्टेज में हम डिवाइड करें। फर्स्ट जो है वो है उसका वेरिंग कोर्स है, हम बाद में बताएंगे किसको कौन सी कोर्स कहा जाता है, क्योंकि एक हाईवे का डिफरेंट लेयर में तैयार होता है। एक हाईवे उसके अंदर चार बेसिकली लेयर होते हैं, जब सबका जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके हम उसको हम वायरिंग कोर्स कहते हैं, उसके बाद में जो लेयर है उसको हम बेस कोर्स कहते हैं, उसके नीचे जो लेयर है उसके हम कहते हैं सब बेस कोर्स, और एकदम नीचे जो कि हमारे मैक्सिमम रोड के लिए और हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मिट्टी होते हैं उसे हमको सबग्रेड कहना पड़ते हैं।
कहते हैं, कहना नहीं पड़ता है, कहते हैं, ठीक है, सबग्रेड कहते हैं। अगर सबग्रेड को आप पूछ सकते हो कि सबग्रेड को एक कोर्स क्यों मानते हो, अल्टीमेटली सबग्रेड ही सब कुछ लोड को बियर करते हैं, और सबग्रेड को कैसे हम फॉर्म करते हैं, कैसे हम सबग्रेड को तैयार करते हैं, इसीलिए सबग्रेड कोर्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा सबग्रेड ड्रेनेज जो कहते हैं, वो डिपेंड करेगा कैसे हम सबग्रेड को तैयार करते हैं हाईवे के लिए, ठीक है, इसलिए उसको भी एक कोर्स में हम डिवाइड करते हैं। पहले हम लेयर्स के अंदर फर्स्ट है वायरिंग कोर्स, वायरिंग कोर्स के अंदर जो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर है 10-15 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे कंस्ट्रक्शन के बारे में। पहले वायरिंग कोर्स, दूसरी बात है बेस कोर्स, बेस कोर्स के अंदर 25-40 सेंटीमीटर थिक लाइम कॉन्क्रीट CRETE। उसके बाद है सब बेस कोर्स के अंदर आते हैं हमारा 10-20 सेंटीमीटर थिक लार्ज 10-20 सेंटीमीटर थिक सॉरी थोड़ा जगह की कमी है इसी वजह से 10-20 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। और एट लास्ट जो फॉर्म है वो है बेस कोर्स देन सब बेस कोर्स एंड देन सबग्रेड। सबग्रेड इज फ्लैट सबग्रेड, ओके, फ्लैट सबग्रेड। ट्रेजाग्रेड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वायरिंग कोर्स है वो 5 सेंटीमीटर थिक 1 in 45 स्लोप जो वायरिंग कोर्स है SLOPE 1 in 45 स्लोप with 1 in 20 शोल्डर स्लोपिंग SHOULDER स्लोपिंग, मतलब जो शोल्डर का जो स्लोप है वो एक्चुअल जो वेडिंग कोर्स है उससे ज्यादा स्टीपर है, ठीक है, 1 in 20। इसके बाद जो है हमारा बेस कोर्स है 8 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन STONE। इसके बाद सब बेस कोर्स ऑफ ट्रेजाग्रेड कंस्ट्रक्शन 17 सेंटीमीटर थिक फाउंडेशन स्टोन एंड अगेन सबग्रेड इज फ्लैट सबग्रेड, ओके। देन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में वायरिंग कोर्स है 4 सेंटीमीटर थिक 1 in 45 स्लोप, ओके। बेस कोर्स के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेस कोर्स के अंदर में ही
दो पार्ट में, एक 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन का एक लेयर है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर थिक का एक एंगुलर ब्रोकन स्टोन का एक लेयर है, ठीक है। तो हम इसको दो लेयर में डिवाइड करते हैं बेस कोर्स के अंदर, एक तो 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, ब्रोकन स्टोन और है एक 10 सेंटीमीटर थिक एंगुलर ब्रोकन स्टोन, ये दोनों ही बेस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये ठीक करने के लिए हमको एक डिफरेंट कलर हम अगर ले ले, लेयर की अंदर की डिवीजन है ये, हमने मेन अभी लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लेयर के अंदर, और सब बेस कोर्स के अंदर ये है वेराइंग थिकनेस ऑफ 17-22 सेंटीमीटर फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। आप पिछली बार में क्या था, टेल फॉर ट्रेजरवेट के अंदर, ट्रेजरवेट के अंदर था 17 सेंटीमीटर थिक फाउंडेशन स्टोन, और अब क्या है 17 सेंटीमीटर एज में होगा 17-22 एट द मिडिल, मतलब जो क्राउन पोर्शन होता है एक रोड का जो कैम्बर, आस्ते आस्ते हम इसके बारे में भी डील करेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में, जो एक रोड का मिडिल जो पोर्शन होता है वो क्राउन पोर्शन कहते हैं, वो थोड़ा एज से थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। इसीलिए 17-20 सेंटीमीटर थिक वेराइंग फाउंडेशन स्टोन ओके, एंड सबग्रेड स्टील फ्लैट सबग्रेड, और उसके बाद लास्ट में इसी कंपैरिजन में मैकाडम कंस्ट्रक्शन का जो वेयरिंग कोर्स है वो 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो है बेस कोर्स के अंदर एक ही लेयर होगा 10 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन ओके। अगेन सब बेस कोर्स के अंदर भी 10 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन और अंत में जो सबग्रेड है इसी में हमको फ्लैट सबग्रेड नहीं मिलेगा, ये सबग्रेड होगा 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, जो वेयरिंग कोर्स है वो 1 in 36 फाइव सेंटीमीटर थिक विथ 1 in 36 स्लोप, विथ 1 in 36 स्लोप, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 1 in 36 स्लोप, और अंत में भी 1 in 36 स्लोपिंग सबग्रेड, ठीक है। तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी आप फिर से देख लीजिए, हम उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं अभी, जिस जगह में डिफरेंशिएट किया जाएगा, यही है कंपैरेटिव स्टडी। ये मेनली लेयर के बारे में हमने जाना अभी तक, जो भी जाना लेयर के बारे में जाना, अभी हम कुछ और भी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जिसके बारे में डिवीजन करने जा रहे थे वो है एक तो ड्रेनेज और एक है हमारा ड्रेनेज, पहले लिख लेते हैं AINAGE ड्रेनेज, और दूसरी है हमारा टोटल थिकनेस। तो हमारा ये कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ड्रेनेज और अंत में है टोटल थिकनेस ओके। ड्रेनेज में अंदर नो प्रोविजन ऑफ सरफेस एंड सबग्रेड ड्रेनेज, देखिए आप ये वायरिंग कोर्स
से देख सकते हैं 10-15 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन, कोई भी स्लोप नहीं था और सबग्रेड भी फ्लैट था। इसके मतलब देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सरफेस एंड सबग्रेड ड्रेनेज इन ए जी ई। पर बाकी जो टेजाग्वेड एंड टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर थिक वेडिंग कोर्स 1:45 स्लोप, उसके बाद टेलफोर्ड में भी 4 सेंटीमीटर थिक 1:45 स्लोप। इसके मतलब क्या है, ये 5 सेंटीमीटर थिक 1:45 स्लोप, 4 सेंटीमीटर थिक 1:45 स्लोप था। इसका मतलब है वेयरिंग कोर्स में एक स्लोपिंग सरफेस है, इसका मतलब सरफेस कोर्स में सरफेस में एक ड्रेनेज का प्रोविजन है, पर उसका जो सबग्रेड है ये वो फ्लैट सबग्रेड है। इसका मतलब सबग्रेड में कोई ड्रेनेज का प्रोविजन नहीं है। और मैकाडम कंस्ट्रक्शन के अंदर 1:36 स्लोप वेयरिंग कोर्स में भी है और 1:36 स्लोप हमारा जो सबग्रेड है उसके अंदर में भी है। इसके मतलब क्या हुआ, provision for surface drainage but no provision for subgrade drainage। ठीक है, और दोनों ही पार्ट में एक ही होगा क्योंकि दोनों ही पार्ट में एक ही बात हो रहा है, टेलफोर्ड एंड टेजाग्वेड दोनों में भी, दोनों में ही एक ही बात। बट हियर प्रोविजन फॉर बोथ सरफेस and subgrade drainage NAGE is available। Total thickness जो पहला जो रोमन कंस्ट्रक्शन था उसका टोटल थिकनेस था 0.752 मीटर। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा टेजाग्वेड कंस्ट्रक्शन, उसका टोटल थिकनेस था 30 सेंटीमीटर। देखे अब देखिए आस्ते आस्ते वो थिकनेस जो है वो कितना कम होते जा रहा है। उसके बाद जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन है वो हमने बोला था कि 70-22 सेंटीमीटर थिक वेरिंग फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे जो सरफेस कोर्स है, इसका मतलब उसका जो थिकनेस भी होगा वो भी वेरिंग ही होगा, वैसा ही हुआ। उसका जो थिकनेस है वो वेरिंग है 35-41 सेंटीमीटर VARYING वेरिंग थिकनेस HICKNESS। ओके, और मैकाडम कंस्ट्रक्शन का वो 25 सेंटीमीटर कांस्टेंट थिकनेस 25 सेंटीमीटर। अभी जितना भी पढ़ा हमने उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट थोड़ा कलर वलर कर दिया हमने, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ सेम ही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हाईवे डेवलपमेंट, फर्स्ट हुआ था रोमन रोड्स 312 BC, सेकेंड हुआ था ट्रेजाग्वेड कंस्ट्रक्शन 1764, थर्ड मेटाकैप कंस्ट्रक्शन 1765-1792, फोर्थ में टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, और फिफ्थ में मैकाडम कंस्ट्रक्शन 1815 में हुआ था। यह है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शुरू से यहाँ से हुआ और ख़त्म यहाँ पर। मैकाडम कंस्ट्रक्शन को ही मैं हम लोग अभी अपडेट करते करते हुए अभी वो फ्लेक्सिबल पेमेंट में इसी का ही मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, और चारों का जो चारों कंस्ट्रक्शन था उसका एक कंपैरेटिव स्टडी हमने करने की कोशिश किए थे उस टाइम में, वो है रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, टेजाग्वेड, टेलफोर्ड एंड मैकाडम कंस्ट्रक्शन। अब सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले ही कंपैरिजन को मत देखिए, ये सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होते हैं कि चारों के चारों कंस्ट्रक्शन को एक ही साथ में हम देख पाएंगे। पढ़ने का तरीका ये है, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन को पहले पढ़िए ऐसे, उसके बाद टेजाग्वेड को पढ़िए, उसके बाद टेलफोर्ड को पढ़िए, उसके बाद मैकाडम को पढ़िए, उसके बाद कंपेयर करिए कि एक दूसरे के साथ क्या कंपैरिजन होगा, तब आपको याद रहेगा। अच्छा, रोमन रोड के अंदर ये जो फर्स्ट में हमने बोला वेयरिंग कोर्स में 10-15 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, बेस कोर्स के अंदर 25-40 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, सब बेस कोर्स के अंदर
10 to 20 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन, सबग्रेड के अंदर फ्लैट सबग्रेड ड्रेनेज, नो प्रोविजन फॉर सरफेस एंड सबग्रेड ड्रेनेज, टोटल थिकनेस 0.75 to 1.2 मीटर। अब उसके बाद जो आएगा वो है ट्रेजरग्रेड कंस्ट्रक्शन। ट्रेजरग्रेड कंस्ट्रक्शन के अंदर 5 सेंटीमीटर थिक 1 in 45 स्लोप, मतलब जो वेयरिंग कोर्स है वो उसमें 1 in 45 स्लोप है वो 5 सेंटीमीटर थिक है। 1 in 20 शोल्डर स्लोपिंग, मतलब जो ही हमारा कैरेज वे का जो स्लोप है उससे ज़्यादा स्टीप है हमारा शोल्डर स्लोपिंग। उसके बाद बेस कोर्स के अंदर 8 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, सब बेस कोर्स के अंदर 17 सेंटीमीटर थिक फाउंडेशन स्टोन, सबग्रेड यहाँ पे भी फ्लैट सबग्रेड है, और प्रोविजन फॉर सरफेस ड्रेनेज है बट नो प्रोविजन फॉर द सबग्रेड ड्रेनेज। यहाँ पे क्या था, 10 टू 15 सेंटीमीटर थिक लार्ज फाउंडेशन स्टोन, कोई भी स्लोप नहीं था, ठीक है, यहाँ पर 1 in 45 स्लोप है, इसीलिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर सरफेस ड्रेनेज भी है और टोटल थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, 4 सेंटीमीटर थिक ये हम पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर 4 सेंटीमीटर थिक 1 in 45 स्लोप, 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन 5 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, 10 सेंटीमीटर थिक एंगुलर ब्रोकन स्टोन, दोनों लेयर है यहाँ पर बेस कोर्स के अंदर। सब बेस कोर्स के अंदर 17 to 22 सेंटीमीटर थिक वेराइंग फाउंडेशन स्टोन है, सबग्रेड के अंदर फ्लैट सबग्रेड है, ड्रेनेज के अंदर प्रोविजन फॉर सरफेस ड्रेनेज बट नो प्रोविजन फॉर द सबग्रेड ड्रेनेज। यहाँ से ये एकदम इक्वल है क्योंकि यहाँ पर भी फ्लैट सबग्रेड है, सो ड्रेनेज नो प्रोविजन फॉर द सबग्रेड ड्रेनेज। सबग्रेड ड्रेनेज का अभी भी कोई स्लोप नहीं है इसलिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब बेस कोर्स के अंदर 17 to 22 सेंटीमीटर वेराइंग थिकनेस है फाउंडेशन स्टोन का, तो इसका टोटल थिकनेस भी वेराइंग ही होगा, यही ऐसा ही हुआ 35 to 41 सेंटीमीटर वेराइंग थिकनेस हुआ, ठीक है। मैकाडम कंस्ट्रक्शन के अंदर 5 सेंटीमीटर थिक विथ 1 in 36 स्लोप, 10 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन, बेस कोर्स के अंदर 5 सेंटीमीटर थिक 1 in 36 स्लोप। यहाँ से हमको पता चलेगा कि वेयरिंग कोर्स के अंदर एक स्लोप है, मतलब प्रोविजन फॉर द सरफेस ड्रेनेज है यहाँ पर। और उसके बाद सबबेस कोर्स के अंदर 10 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन है, सबग्रेड कोर्स के अंदर 1 in 36 स्लोपिंग सबग्रेड है। देखिए यहाँ पर तीनों में फ्लैट सबग्रेड था, यहाँ पर 1 in 36 स्लोपिंग सबग्रेड हो गया, मतलब यहाँ पर सरफेस ड्रेनेज एंड सबग्रेड ड्रेनेज दोनों का ही प्रोविजन है, ठीक है। टोटल थिकनेस 25 यूनिफॉर्म थिकनेस, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि 70 to 22 सेंटीमीटर वेराइंग फाउंडेशन स्टोन, मतलब वेराइंग कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सब कुछ कांस्टेंट थिकनेस हुआ यहाँ पर मैकाडम में। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।